चेकिंग करते हैं आज यहाँ जो नाका हमने यहाँ ट्रैफिक पुलिस के साथ जाइंट चेकिंग नाका लगाया, क्योंकि बड़ी बार हमें कंप्लेंट आती हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ हैं, खास करके जो जैसे डंपर हैं, ट्रक हैं, वो ओवरलोडेड चलते हैं। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट गाड़ियाँ जो चलती हैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, तो उसी चीज़ को देखने के लिए आज हमने जहाँ एक जॉइंट नाका लगाया हुआ है। एक तो हम गाड़ियाँ रोक के सब गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट वैलिड है नहीं, जिस गाड़ी का भी डॉक्यूमेंट अगर वैलिड नहीं है उसको हम चालान कर रहे हैं। सिमिलरली आपने देखा जहाँ हमने ट्रक खड़े किए हैं, जो भी ट्रक जितनी उसकी कैपेसिटी है बॉडी के ऊपर ओवरहाइड कर रहा है या ओवरहैंग कर रहा है उसको हम चालान कर रहे हैं। तो और दूसरा हमें जहाँ थोड़ी कंप्लेंट आई थी कि कुछ गाड़ियाँ जहाँ रुकती नहीं है, जहाँ पे जैसे नॉन स्टॉप गाड़ी है उसका भी स्टॉप है तो वो सुपरफास्ट वगैरह रुकती नहीं है, उसको भी हम फिजिकली यहाँ चेक कर रहे हैं और कोई गाड़ी अगर रुकती नहीं है तो उसको हम चालान कर रहे हैं। तो मेन मकसद हमारा यही है कि आप सब जानते हैं कि जिस हिसाब से एक्सीडेंट हो रहे हैं ट्रैफिक वायलेशन को हमने मिनिमाइज करना, तो हम टाइम टू टाइम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जगह जगह पे नाके लगा के ये चेक करते हैं कि गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट है वैलिड हों, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है अगर गाड़ी का डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है तो ना मालिक को क्लेम मिलता है ना सवारी को क्लेम मिलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जितने भी गाड़ी के मालिक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा गाड़ी वही रोड के ऊपर निकालें जिसके डॉक्यूमेंट वैलिड हो। दूसरा, टाइम टू टाइम अपनी गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है उसको भी चेक कराएं, क्योंकि कितने हादसे हमारे होते हैं देखा जाता है कि गाड़ी की जो मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं है, इसमें मालिक की बड़ी जिम्मेदारी है। वही गाड़ी रोड के ऊपर निकले तो बिल्कुल फिट हो चलने के, रोड के चलने के काबिल हो। लिहाजा क्योंकि एक्सीडेंट जिस हिसाब से हमारी कंट्री में हो रहे हैं, ऑन एन एवरेज 1.5 लाख लोग हमारी कंट्री में एक्सीडेंट में मर रहे हैं, तो अगर हमें एक्सीडेंट्स कम करने हैं, हम सब लोग जो गाड़ियों का इस्तेमाल गाड़ियाँ रोड के ऊपर चलाते हैं, हमने ट्रैफिक के जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनकी पालना करके गाड़ी चलाने। इसलिए मैं आपके माध्यम से सब व्हीकल ओनर्स को, ड्राइवर को रिक्वेस्ट करूँगा जब भी वो गाड़ी चलाते हैं एक प्रॉपर स्पीड लिमिट में चलाएं, ओवर स्पीड गाड़ी मत चलाएं, नशा करके गाड़ी मत चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, टू व्हीलर वाला सीट बेल्ट पहने, कार वाला टू व्हीलर वाला हेलमेट पहने, कार वाला सीट बेल्ट पहने, क्योंकि कितने हादसे हैं हमारे। अगर हम सब लोग इन ट्रैफिक रूल्स की पालना करके गाड़ी चलाएंगे तो हमारा मानना है, स्टडी करने के बाद देखा गया है कि आउट ऑफ 100, 90% एक्सीडेंट्स हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम सब लोग जो गाड़ियां रोड को चलाते हैं हम ट्रैफिक रूल की पालना करके गाड़ी चलाते हैं।